Good morning, dear students. Today we are going to read our lesson. Lesson number 6, The New Boy, page number 72 of our Learning to Communicate. What happens when a robot joins class 2? क्या होता है जब क्लास 2 में रोबोट स्टूडेंट आता है, वो कौन होता है? रोबोट. कल मैंने आपको माइंड मैप में भी बताया था और एक भेजा भी था और आपके एक कार्टून भी आता है, वी आर द रोबो बॉय, है ना? तो किस तरीके से रोबोट वर्क करता है आपने देखा ही होगा. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सेज मिस सावंत. मिस सावंत कौन है? क्लास 2 की क्लास टीचर. वी हैव अ न्यू प्यूपिल टुडे. अब प्यूपिल को आप अंडरलाइन करें. प्यूपिल क्या होता है? अ चाइल्ड इन स्कूल. जो स्कूल में जो बच्चा होता है, शिष्य जिसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं प्यूपिल. ओ आह, से द चिल्ड्रन, दे लाइक न्यू फ्रेंड्स. अब सभी बच्चों को बड़ा मजा आ गया जब उन्होंने कहा कि आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया है, तो सब ओ आ करने लगे और दे लाइक न्यू फ्रेंड्स. अब उनको नया फ्रेंड बड़ा पसंद आया. हिज नेम इज रॉबी. क्या नेम है न्यू स्टूडेंट का? रॉबी. हिज नेम इज रॉबी, सेज द टीचर. अब टीचर ने क्या कहा? उसका नेम है रॉबी. ही इज वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. देन शी विस्पर्स. विस्पर्स टू स्पीक वेरी क्वाइटली इन टू समवंस ईयर. कान में धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको कहते हैं विस्परिंग करना. टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ रॉबी चिल्ड्रन, यू सी ही इज डिफरेंट. क्या कहा मैम ने? कि इसकी गुड केयर करनी है आपको. ही इज डिफरेंट, ये तुमसे अलग है. ही इज अ रोबोट. कौन है वो? रोबोट. और क्या नाम है उसका? रॉबी. देन रॉबी वॉक्स इन. फिर रॉबी अंदर आता है. ही इज अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग रोबोट. वो एक लंबा और स्ट्रॉन्ग रोबोट है. हिज हेयर इज ब्लैक एंड आईज आर ब्राउन. उसकी हेयर कैसे है? ब्लैक है और आईज ब्राउन है. रॉबी स्माइल्स एंड सेज हेलो फ्रेंड्स. रॉबी स्माइल करता है, कहता है हेलो फ्रेंड्स. पेज नंबर 73. हेलो, से द चिल्ड्रन विद देयर माउथ्स वाइड ओपन. जब बच्चे कोई भी गुड मॉर्निंग मैम, हेलो इस तरीके से बोलते तो उनका माउथ ऐसा ओपन हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है. और रोबोट इन देयर क्लास. क्लास में रोबोट. अभी इमेजिन करिए अगर आपकी क्लास में रोबोट आ जाए न्यू स्टूडेंट, तो आपको कैसा फील होगा? रेनू विस्पर्स टू एनी, ही इज मेड ऑफ प्लास्टिक. अब क्या रेनू क्या विस्पर करिए कान में? स्पीक इन समवंस ईयर. वो प्लास्टिक से बना है. अब बच्चों के अंदर चालू हो गई बातें कि कैसे बना है, कैसे काम करेगा. तो इट्स नॉट प्लास्टिक. अब दूसरा बच्चा कह रहा है, सेज कोरियन हु नोज अ लॉट, इट्स अ फाइबर ग्लास. अब क्या कह रहा है वो? हु नोज अ लॉट, ये फाइबर ग्लास है. अ स्ट्रॉन्ग लाइट मटेरियल. फाइबर ग्लास किसको कहते हैं? स्ट्रॉन्ग लाइट मटेरियल होता है, जो वेट में लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग बहुत होता है. मिस सावन पुट्स हर फिंगर टू हर लिप्स एंड सेज बिहेव. अब मिस सावन सब सुन लेती है ऐसे, जब बच्चे विस्परिंग कर रहे होते हैं तो कहती है बिहेव, अपनी फिंगर को पुट करती है. रोबी हैज टेकन अ प्लेस एट द बैक ऑफ द क्लास. पीछे जो बैक जो सीट होती है वहां पे रोबी जाकर बैठता है. ही इज स्माइलिंग एट एवरी वन. सबके देखकर वो हंसता है. मैनी चिल्ड्रन स्माइल बैक. बहुत सारे बच्चे फिर से स्माइल बैक करते हैं. दे वॉन्ट टू बी हिज फ्रेंड. वो उनका फ्रेंड बनना चाहता है. बट बाय द एंड ऑफ द स्कूल द चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पी. क्या होता है? यहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब हैप्पी है, बट एंड ऑफ द स्कूल जो बच्चे हैं वो खुश नहीं है. रोबी इज जस्ट टू क्लेवर. रोबी बहुत क्लेवर है, बहुत क्विकली सारा वर्क कर लेता है. ही आंसर्स एवरी क्वेश्चन बिफोर एवरीवन एनीवन एल्स. कोई भी क्वेश्चन का आंसर वो इतना जल्दी देता है जितना कि दूसरा सोचता है उससे पहले वो आंसर दे देता है. ही गिव्स, पेज नंबर 74, ही गिव्स इन हिज रिटन वर्क व्हाइल अदर्स आर जस्ट स्टार्टिंग. दूसरे लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं जितने, वो अपना रिटन वर्क करके देता है. बिकॉज आफ्टर ऑल इज अ मशीन, इज कंप्यूटर.
ही डज सम्स इन हिज हेड एज सम अदर्स आर काउंटिंग ऑन देयर फिंगर्स. दूसरे लोग ऐसे काउंट करते हैं अपने फिंगर्स पे, तब तक वो अपने हेड में सारे सम्स सॉल्व करके क्विकली मैम को आंसर दे देता है. और ये बच्चों की आदत होती है कि उनको ये लगता है कि सबसे फर्स्ट आंसर वही दे, ये एक छोटे बच्चों में बड़ा रहता है. ही शुड बी इन क्लास 10, ग्रम्बल्स कुरियन. अब क्या कहता है कुरियन कि इसको क्लास 10 में होना चाहिए, कहाँ क्लास 2 में आ गया ये, क्विकली सारे आंसर देता है, हमें तो आंसर ही नहीं देता है ना. तो ग्रम्बल्स मीन्स टू कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे, बड़े ही बैड टेम्पर से, गुस्से से, और अच्छा नहीं फीलिंग आ रही होती है उसको. मिस सावंत स्पीक्स टू रॉबी ड्यूरिंग लंच. अब मिस सावंत देख लेती है कि क्लास में क्या चल रहा है, तो फर्स्ट हाफ जो होता है ना लंच से पहले का, कि सारे आंसर तो रॉबी जल्दी से दे रहा है, तो दूसरे बच्चों को बड़ा बैड लग रहा है, तो मिस सावंत रॉबी से बात करती है. क्या बात करती है? इन दिस स्कूल शी सेज वी वॉन्ट एवरी वन टू टेक पार्ट. क्या कह रही है मैम? इस स्कूल में हम चाहते हैं कि सभी पार्ट लें, सभी टेक पार्ट करें. सो प्लीज गिव अदर्स ए चांस रॉबी. तो क्या कहते हैं वो कि प्लीज दूसरों बच्चों को भी चांस दो रॉबी. यू कैन हियर रॉबीज ब्रेन हम. हम मतलब उसके अंदर एक मशीन होती है, वो तो एक ऐसी कंप्यूटर में से रोबोट में आवाज आती है. गिव अदर्स ए चांस, मतलब वो अपनी उसमें फीड करता है कि हाँ दूसरों को भी चांस देना है. ही से स्लोली यस. इन द आफ्टरनून क्लास 2 हैज अ फुटबॉल मैच. आफ्टरनून में क्या है? फुटबॉल मैच है क्लास 2 का, रेड्स वर्सेस ब्लूज. रेड टीम है एक तो और एक ब्लू टीम है. रॉबी इज इन रेड्स टीम. रॉबी किस टीम में है? रेड्स टीम में. लुकिंग स्मार्ट इन अ रेड जर्सी. अब उसने रेड जर्सी पहना है और बहुत ही स्मार्ट दिख रहा है उसका. द बॉल इज इट एट रॉबीज फीट ऑल द टाइम. अब हर टाइम जो बॉल है वो किसके पैरों में आ रही है? रॉबी के पैरों में. He zips to the blues goal, then he passes the ball to a red player. तो जब वो पास करता है रेड प्लेयर को बॉल, who scores goal? Reds 1, blues 0. तो रेड वाली जो टीम है जिसमें रॉबी है उसके स्कोर तो बढ़ रहा है, और जो ब्लू टीम है जिसमें रॉबी नहीं है उसका 0 है. The red jumps with joy. Natural है, जब हम दो टीम खेल रही होती है जिसका स्कोर बढ़ जाता है वो जॉय में जंप करता है. नेक्स्ट, रॉबी इज एट द रेड्स गोल. ही पासिस द बॉल टू द ब्लू प्लेयर्स, टू अ ब्लू प्लेयर. गोल, रेड्स 1, ब्लूज 1. तो फिर क्या करता है वो? नाउ रॉबी इज एट द रेड्स गोल. रॉबी रेड्स के गोल पे है और वो जो अपनी बॉल है उसको पास करता है ब्लू प्लेयर, ब्लूज के प्लेयर के साथ. गोल, रेड्स 1 और ब्लूज भी 1. द ब्लूज कांट बिलीव व्हाट हैपेंड. अब ब्लूज को बिलीव नहीं होता है, अभी आपका ऑपोजिट टीम होती है उसने अगर आपको बॉल पास कर दी होती है तो आपको बिलीव ही नहीं होएगा कि ये कैसा हो सकता है ना. आपका ओपोनेंट है और आपको चांस दे रहा है. द गेम गोज ऑन. इसी तरीके से गेम आगे बढ़ते गया. रॉबी पासिस द बॉल बाय टर्न टू अ रेड्स प्लेयर और अ ब्लूज प्लेयर. रेड प्लेयर को भी टर्न कर पास कर रहा है बॉल और ब्लूज प्लेयर को भी. व्हेन द गेम एंड्स द स्कोर इज रेड्स 10 ब्लूज 10. अब देखो रॉबी पे कितना इफेक्ट हुआ उसकी मैडम की बात का. टीचर ने क्या कहा था कि यहाँ इस स्कूल में हम वी गिव एवरीवन टू अ चांस, हम हर बच्चे को चांस देते हैं, है ना. तो देखो उसने क्या किया, गोल किया, उसको लगा कि मेरा चांस हो गया, तो उसने ब्लूज को भी बॉल पास की. इस तरीके से अब जब लास्ट में स्कोर आया तो रेड्स भी 10 और ब्लूज भी 10. ऑफ द फील्ड द रेड्स कैप्टन आस्क्ड रॉबी. अब फील्ड के बाद जो रेड का जो कैप्टन है रॉबी से पूछा, व्हाई डिड यू पास द बॉल टू द ब्लूज प्लेयर. क्यों तुम पास कर रहे हो बॉल अपनी ब्लूज प्लेयर को? रॉबी रिप्लाइज, इन दिस स्कूल वी गिव अदर्स अ चांस. तो क्या कहा मैम ने जो बोला उसकी फीड हो गया उसके उसमें मेमोरी में कि इन दिस स्कूल वी गिव अदर्स अ चांस, हम दूसरों को एक चांस देते हैं. द प्लेयर्स लुक एट रॉबी, देन दे बर्स्ट आउट लाफिंग. जो प्लेयर्स है वो रॉबी की तरफ देखते हैं और जोर से हंसने लगते हैं. थ्री चीयर्स फॉर रॉबी, शाउट्स द ब्लूज कैप्टन. ब्लूज का कैप्टन कहता है, देखो कैसे ब्रदरहुड की फीलिंग आती, कैसे गेम्स हमें एक दूसरे के करीब लेके जाते हैं. तो थ्री चीयर्स फॉर रॉबी, ब्लू का कैप्टन कहता है हुर्रे. शाउट ऑल द प्लेयर्स एंड दे कैरी रॉबी ऑन देयर शोल्डर्स. तो वो रॉबी को अपने शोल्डर्स पे उठा लेते हैं. तो यहाँ हमारा लेसन फिनिश हो रहा है. अब मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिखा दूंगी. और आज आपका वर्क रहेगा बच्चों इस लेसन को रीड करना और अंडरलाइन करना जो भी
वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से प्रोनंसिएट करना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और इसको रीड करना है, ओके, अपने पेरेंट की हेल्प ले सकते हैं, एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं, ओके बच्चों।